ओ भाई एक मिनट, कौन हो तुम भाई? हाँ क्या, हाँ कौन हो? चलो खैर दफा करो, जो भी हो। अंदर कैसे घुसा है? गलती से आ गया सर, मुझे नहीं पता था इस डब्बे में बारात जा रही है। बारात ही है ना? अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? बारात ही है, चलो उतरो। चलो कैसे उतरूं सर, गाड़ी सरपट भाग रही है। चालीस मिनट में अगला स्टेशन आएगा, शराफत से वहां उतर जाना। जाहिर है सर, वहां तो उतर ही जाऊंगा। ठीक है बैठ जाओ। कहाँ बैठूं सर, कोई जगह होगी तो बैठूंगा ना। जगह नहीं है, जमीन पे बैग रखो और ऊपर बैठो। बैग में मिठाई है, बैठूंगा ना तो मिठाई हलवा बन जाएगी। ठीक है मैं खड़े ही ठीक हूँ। चलो ठीक है खड़े रहो। 40 मिनट बेटा अगला स्टेशन, हाँ और जितनी देर खड़े हो शराफत से खड़े होना है बेटा, तांक झांक नहीं करनी है। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं हूँ मैं। सभी बच्चे ऐसा ही कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, अंदर से सभी खबीस होते हैं। बहरहाल 40 मिनट खड़े रहो। ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ रही हूँ। नहीं मुझे नहीं पीना। अब्बा फिर आप सो जाएं ऊपर जाके। हाँ अभी लेटता हूँ थोड़ी देर में, अभी नहीं, अभी हैं 20-25 मिनट, बैठ जाओ तुम। मियाँ रास्ते से तो हटो, हमें गुसल खाने में जाना है। जी माफ कीजिएगा, किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक नहीं लग रहा आपका। जी नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे घर से हूँ मैं। आपकी तमीज से तो पता नहीं चल रहा, आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि यूं गैर ख्वातीन के सर पे आके खड़े नहीं हो जाया करते। पलट के मुंह उस तरफ कीजिए और आपका स्टेशन आए तो उतर जाइएगा। बेहतर। बदतमीज। मैं भी ब्रेक में जा रही हूं, रास्ता दीजिए। नाम क्या बताया था तुमने उसका? जुलेखा। अरे नाम तो सूट करता है यार तुम्हें। फिर क्या,
40 मिनट जैसे 4 मिनटों में गुजर गए। मुझे लगा कि अगला स्टेशन आने वाला है तो मैं झूठ मूठ सो गया। उठ जाइए मियाँ, उठ जाओ, अगला स्टेशन आने वाला है, स्टेशन आए तो फौरन उतर जाना। आगे भी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। मुझे एक दूसरे कंपार्टमेंट में जगह मिल गई और मैं आराम से जाकर रह जाती है। बस तो मैं और कर भी क्या सकता था। मतलब तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो कब और कहां उतर गई है। नहीं, ये तो मुझे पता है कि वो कराची उतरी थी, स्टेशन पर से कोई लेने आया हुआ था। गले मिलने से लग रहा था कि उसका भाई है। अच्छा, ट्रेन से गाड़ी में बैठने तक कहीं मुड़ के देखा उसने तुम्हें? हाँ, एक बार जब वो स्टेशन से निकल रही थी और दूसरी बार तब जब वो गाड़ी में बैठ रही थी। अरे वाह, तुम्हें पता है वो कैसे देख रही थी? कैसे देख रही थी? जैसे आपके पीछे कभी कोई कुत्ता पड़ जाए ना और आप डर के मारे मुड़ मुड़ के देख रहे। ओ, मतलब सिरे से कोई बातचीत हुई ना हलो हाय? बात तो हुई थी, बस ऐसे ही मैंने उससे बात की, उसने टका सा जवाब दे दिया। अरे तो वो बताओ ना यार, उससे भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तुम बताओ तो सही। ट्रेन जब हैदराबाद स्टेशन पे रुकी तो मैं ऐसे ही बाहर निकला, वो स्टॉल से कुछ खरीद रही थी, उसके साथ उसकी बहन थी। जूस वाला, जूस वाला, जूस वाला। आपका नाम सुलेखा? मतलब जिसको तुम जुलेखा समझ रहे थे वो जुलेखा नहीं थी? अरे नहीं यार, वही थी जुलेखा। ट्रेन में जब उसकी बहन ने उसे जुलेखा कह के बात की थी तो उसने जवाब दिया था। हाँ यार, इस हिसाब से तो उसका नाम जुलेखा होना चाहिए, लेकिन जब तुमने बात की थी तो वो मानी क्यों नहीं? क्यों मानेगी वो, और मुझे क्यों बताएगी अपना नाम? मैं क्या लगता हूँ उसका? हाँ ये भी सही कह रहे। सुनो, उस लड़के से झूठ क्यों बोला तुमने? किस लड़के से? वही जो रोडी स्टेशन पर बोगी में घुसाया था। तो क्या सच बोल देती? बता देती कि हाँ मेरा ही नाम जुलेखा है? अब्बा से पूछो झूठ बोलने का कितना गुना होता है। अब्बा से पूछो कि राह चलते को नाम बताने की सजा कितनी है। खैर। खैर क्या, इस तरह के कमीने रोज सड़कों पे मिलते हैं, नाम भी पूछते हैं, घर का पता भी। बता दिया करो। मैंने ये कब कहा कि बता दिया करो, वो तो बस तुमने झूठ बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कह देती कि नाम कुछ भी हो, तुम कौन होते हो पूछने वाले। लेकिन खैर, तुमने कह दिया जो तुम्हें कहना था। भाई उठो, चलो उठो, उठते हैं, मैं पानी डालूं। ओ ओ, क्या कर रही हो? स्कूल का टाइम हो रहा है, प्लीज उठ जाओ। क्या हुआ? इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं इस गाड़ी वाले को जानता हूँ। अच्छा, अब जल्दी चलो,
ये लड़कियों का कॉलेज है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? जुलेखा जी अम्मी, इधर आओ जरा। आई जी। यहाँ नहीं, अंदर चलो, मुझे बात करनी है। दरवाजा बंद करो। बैठो। इमरान से तुम्हें है कोई दिलचस्पी? इमरान भाई, तो मैं क्या इमरान खान की बात कर रही हूँ? वैसे तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बात क्या अम्मी? इस प्यार की वजाहत करो जरा, और ये भी बताओ कि ये सिलसिला कब से चल रहा है। सिलसिला मतलब? मतलब ये कि प्यार सिर्फ वही कर रहा है या तुम भी कर रही हो? आप प्यार के जवाब में कोई नफरत कैसे कर सकते हैं अम्मी? तो ये बात है। खैर, वो तो तुम्हारे अब्बा की पेशकदमी देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम साथ मिली हुई हो। सबके जाओ मैं तुम्हारे, तुम तो अपने अब्बा से भी आगे निकल गई। जिनके हां मैंने 20 सालों में हाजिरी नहीं दी, वहां तुम दिल दे आई हो। आज हंस रही हो तो देखना, कल धाड़े मारकर रोया करोगी। और मैं नहीं आऊंगी पूछे वहां कि कल किस बात का गम था, आज क्यों रो रही हो। दिल किसको दिया मैंने? मतलब इस तरह का इल्जाम क्यों दे रही है मुझे? इमरान भाई से प्यार करती हूँ, मतलब अपने भाई से प्यार करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर वो क्यों ले रहा है इतनी दिलचस्पी? और तुम्हारे अब्बा ने दिलचस्पी का सुनते ही सारी बातचीत भी मुकम्मल कर ली? क्या मतलब? उस कमीने से तुम्हारी शादी तय कराए हैं वो। लेकिन तुम डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हारे पास से टकरा जाऊंगी। अच्छा लगता है ना ट्रेन से चांद को देखना? हाँ इमरान भाई, लगता है ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है चांद। निगाहें इस पे जम जाए तो भाग कहाँ सकता है? हाँ अम्मी कहती हैं जब लड़कियां ऐसा छुप छुप के चांद को देख रही होती है ना, तो असल में वो अपने चांद को ढूंढती है। देखा, पकड़ी गई ना। अरे जाने दीजिए ना इमरान भाई, वो शर्मीना कीजिए। मैं और तुम बात करें तो बेशर्मी नहीं होती। आपसे किसने कहा ये? अरे मैं कह रहा हूँ ना, और देखना कल परसों तक मेरी कही बात सच हो जाएगी। आ रही हूँ।
बताओ जो तुम्हारे अब्बा तुमसे पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? क्या पूछेंगे? अरे नहीं, पूछेंगे नहीं, बताएंगे, कहेंगे कि इमरान रफीक से बातें कर दी है तुम्हारी। फिर क्या कहोगे बताओ ना? चुप रहोगी तो वो समझेगी कि तुम हाँ कह रही हो। अम्मी मैं बिल्कुल भाई समझती हूँ उनको। शाबाश, बस यही जवाब है। बल्कि हो सके तो ये भी कह देना कि वो पसंद नहीं है मुझे। ये नहीं कहूंगी। अच्छा चलो ठीक है, बस भाई समझने वाली बात कह देना। ये भी नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी बस। तुम चुप नहीं रहोगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस इनकार कर देना, बाकी मैं संभालूंगी। ये नहीं हो सकता, अब्बा के सामने इनकार करूंगी तो गुस्से से देखकर मार डालेंगे मुझे। आपसे कह दिया है ना, अब आप ही बता दें उनको, साफ कह दें कि इनकार कर दिया। चाहे तो ये भी कह दें कि अगर इमरान मुगी से शादी हुई तो बारात से पहले जहर खा लूंगी। लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, ऐसे पर डरा दीजिए उनको। तुम्हारी खाला को बुला लिया मैंने। इसकी क्या जरूरत थी, अपने घर के मामले में खाला को क्यों डाल रही है? अरे नहीं ये बात नहीं है, वो अली हमजा भी आ रहा है उसके साथ। जाहिर है वो तो आएगा, आया करता है हमेशा। इस बार वो अपनी माँ को कंपनी देने नहीं आ रहा, खासतौर पर मिलने आ रहे तुम्हारे अब्बा को। अच्छा वो क्यों मिल रहा खासतौर पर? बता दूंगी कल, बस तुम उसे अली भाई कहकर ना बुलाना। क्यों ना बुलाऊं? वो अचानक से मेरा भाई क्यों नहीं रहा? पागल हो गई हो? इस तरह सबको भाई भाई पुकारती रहोगी तो शादी किसे करोगी? अल्लाह तो आपने ये सोच ली है। वही जचेगा तुम्हारे साथ, एकदम बांका सजीला, और फिर वो तुम्हें जी जान से पसंद करता है। अम्मी मैंने उनके बारे में भी कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं नहीं करूंगी उससे शादी। दो ही ऑप्शंस हैं तुम्हारे सामने, एक इमरान मुगीस या फिर अली हमजा। और इमरान मुगीस को तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हारे अब्बा के हाथों मेरा कत्ल होगा ना तो तुम्हारी उससे शादी होगी। मैं जहर खा लूंगी। मुझे पता है तुम जहर नहीं खाओगी, बस डरा रही हो मुझे। आसमान से गिरकर बचूंगी तो खजूर में अटकाएंगी मुझे। खजूर से बचोगी तो आसमान से सीधी जमीन पर पटख दी जाओगी। आफियत इसी में है ज़ुरैखा, खजूर में अटक जाओ, वरना तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। ये मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? अम्मा अब्बा की लड़ाई होने वाली है, जो जीतेगा उसे माले गनीमत में मैं मिलूंगी। सीधी बात करो, एक अनार दो बीमार। फिर वही बकवास। अब्बा इमरान मुगीस से शादी कर रहे हैं मेरी, और अम्मी अली हमजा से। अरे वाह, इसीलिए सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखला ले लूं, वरना ये लोग तो मेरी शादी कर देंगे। तुम नहीं करना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं, और इन दोनों से तो कभी भी नहीं। तो फिर तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है? ठेंगा, मैं तो कहती हूँ इस बात पे शुक्र कर लो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है, वरना यहाँ तो दूल्हे का नाम बताते हैं बस। तो फिर मैं टकरा जाऊंगी देखना। क्या टकरा जाओगी? किससे? अब्बा से? मैं दीवार से टकरा जाऊंगी, सर फोड़ लूंगी अपना।
ढाकिया है बाहर, आपके नाम की रजिस्ट्री आई है। रजिस्ट्री? मेरे नाम? जी। जी लेखा नाम है ना आपका? जी। अरे तुम तो वही ट्रेन वाले हो, क्यों आए हो यहाँ? आपको बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है।